होता क्या है ये कौन है Cl2 का 500 डिग्री सेल्सियस 500 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत ज्यादा गर्म लगभग धूप का रोशनी जैसा मतलब कहीं ना कहीं ये Hu को इग्नोर कर रहा है ये क्या था फ्री रेडिकल्स मैं बोला था ना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करेगा लेकिन बेंजीन तो क्या करेगा बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा ज्यादा डबल बॉन्ड का बगल वाला कार्बन पे लगेगा तो डबल बॉन्ड कहां यहां 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 इसका बगल वाला कार्बन क्या है तो ये वाला है रेट्रो ये वाला अरे है कि नहीं बस कहां देगा क्या बताएं बताओ डबल बॉन्ड का कार्बन को लग जाएगा कहां कहां ये ऊपर में ऊपर बता बता इसको वही बोलते हैं ना याद रहे हम क्या बोल रहे होता जब भी तुमको H2 दिख गया प्लस Hu दिख गया क्या करेगा ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन यानी बेंजीन का मतलब बेंजाइलिक एलाइलिक मतलब क्या होता है C डबल बॉन्ड C ये वाला ये एलाइलिक कार्बन हो गया यहां C लग गया ये भी एलाइलिक कार्बन हो गया समझ में आया यहां C लग गया ये भी एलाइलिक कार्बन हो गया यहां C लग गया यहां ये भी एलाइलिक कार्बन हो गया तो ये सब क्या हो गया एलाइलिक कार्बन हो गया डबल बॉन्ड का बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड का बगल में कितना कार्बन है बताओ एक एक है तो दो दो कौन कौन ये देखो एक डबल बॉन्ड है यहाँ इसका बगल एक कार्बन ये वाला एक का डबल बॉन्ड ये है इसका बगल ये बोले कि डबल बॉन्ड है इसमें सबको भी डबल बॉन्ड है ना सर वो फर्क नहीं पड़ता जो जहां डबल बॉन्ड एंड होता है उसका बगल वाला कार्बन ठीक है ना एक कार्बन यहां लग सकता सब्स्टिट्यूशन एक यहां लग सकता बोलो आया ना लग सकता तो Cl2 हमको क्या करता है Cl2 ClCl क्या करता है फ्री रेडिकल देता है अरे पता है कि नहीं देता ना Cl फ्री रेडिकल देता कि नहीं देता हां तो फ्री रेडिकल यहां अटैक करेगा यहां अटैक करेगा क्यों बिकॉज़ 3 डिग्री है बोलो आया ना एक चीज और देखो 3 डिग्री होने की वजह से जो यहां पर हाइपर कंजुगेशन बोल सकते हैं इसमें यहां देखो पाई सिग्मा रेडिकल रेजोनेंस भी कर रहा ज्यादा स्टेबल है हां है कि नहीं मतलब Cl फ्री रेडिकल क्या करेगा यहां अटैक करेगा बोलो है ना मतलब ए क्या हो जाएगा ए में क्या होगा यहां पर गोल बनाने आ जाएगा समथिंग ऐसा कुछ हो जाएगा बोलो है ना तो ऊपर रेजोनेंस स्टेबल है वहां अटैक नहीं कर सके वो रेजोनेंस काम कर रहा समझ में आया ठीक है देखो रेडिकल है ना अब देखो अब ये तुम्हारे पास बन के आया क्या अब तुम इसमें क्या करें एनबीएस क्या कर रहे एनबीएस क्या करता नेशनल ब्यूरो एन ब्रोमो सक्सिनामाइड देखो एनबीएस का नाम क्या है एन ब्रोमो नाम सुनो याद करने बताए थे एन ब्रोमो सक्सिनामाइड ये क्या करता है बीआर फ्री रेडिकल देता है भूल गया क्या करता है बीआर फ्री रेडिकल देता है सुनो अब सुनो हंस रहा होगा ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां से बहुत बड़ा है एनबीएस से सवाल तुम नेट में निकाल के देख लो एनबीएस से कितना बार क्वेश्चन आया एन ब्रोमो सक्सिनामाइड ये क्या कहता है बीआर फ्री रेडिकल देता है क्या देता है इतना मैकेनिज्म पता नहीं कोई फायदा नहीं हो सिखाने का खाली वो दृश्य जान रही है बाकी तो लोग नहीं जानता देखो यहां से बीआर फ्री रेडिकल अब कहां अटैक करना चाहेगा फिर से बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा एलाइलिक मांगेगा मांगेगा कि नहीं फ्री रेडिकल है ना रेडिकल बोलता है भाई हमको एलाइलिक कार्बन दो अब एलाइलिक कार्बन में ऑलरेडी बेस्ट दे एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड एक हाइड्रोजन ऊपर वाले ने जगह है अब यहां ब्रोमो लग जाएगा देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया है यहां बीआर लग गया यहां सीएल लग गया ये मेरे पास बन गया आया बन के इसका नाम क्या हो करो नाम कर ये हमारा फिनाइल हो गया ये तुम्हारा साइक्लोपेंटेन हो गया क्लोरीन लगा हुआ एक नंबर पेज का नंबर ही करेगा सबसे बड़ा कार्बन देख लो ये हमारा तुम्हारा क्या तुम क्या होता है
ब्रोमोमिथाइल और लिया, खत्म हुआ, क्या नाम था, जो कर रहा नाम कर। एक क्वेश्चन आता है पता, इतना इजी सवाल में तो लोग उत्तर आ जाता, इजी क्वेश्चन में तो आ जाता। क्वेश्चन देखो, BR2HMU दे दे रहे, NAI दे दे रहे, TMS होगा, देखिए होगा, चलो बताओ ए बी सी क्या होगा। ये आसान है, ये आसान है, ये होगा, ये बहुत आसान है, नहीं होगा, ध्यान दो। ये BR2HMU क्या करता है, हमको क्या देता है BR2HMU, थ्रीडिकल देगा। थ्रीडिकल कहां से कौन सा पोजीशन मांगता है, एलाइनी वाला, एलाइनी कहां है, यहां भी है और यहां भी है, कहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां तो नाइट्रोजन है, ऊपर ऊपर चल जाएगा, बोला है ना, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो ये कुछ हो जाएगा, ये सीन दिखेगा, एरो टू दिखेगा, क्या दिखेगा, दिखेगा ना, बोला है ना, अरे दिखेगा नहीं दिखेगा, बोला है ना। अब इसमें क्या किए, NAI और DMSO, DMSO वही एसीटोन वाला जो रखा था, वो भी एक सॉल्वेंट है DMSO, वो एसीटोन डालता है, कोई DMSO डालेगा तो करेगा नहीं, आई लग जाएगा, क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, हैलोजन एक्सचेंज, क्या जाएगा, यहाँ खाली आई लग जाएगा, क्या लग जाएगा, NAI यहाँ पर क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड को नाइन में एसीटोन और DMSO में डालकर, खत्म बात, तो ऐसे तो लोग खाली डराया जाता है, ठीक नहीं है, ध्यान देगा ठीक हो जाएगा, देखो इजी हो गया, खत्म बात, तीन चार रिएक्शन मिलकर के एक रिएक्शन बना दिया, कोई बड़ा बात नहीं है, बोला असली रिएक्शन तो अभी है। अब ये जो सवाल बता रहे हैं बना लेना ना, हो गया ऊपर वाला, ये तो सवाल है, इजी सवाल नहीं है, ये तो बना लो, तो उससे रिएजेंट नहीं आता, पता है क्या तो इतना देर में काफी इल्जाम लगा रहा है, तो चलो एच आई डाल देते एक्सेस में, चलो ऐसा एच आई बहुत ज्यादा डाल देते इसमें, चलो 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 ये ऑप्शन देते इसमें, एच आई एक्सेस क्या है भैया,
चलो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तुमको एक कंपाउंड दे दिए हैं, ठीक है, हाइड्रो एल्कीन है, उसमें हम एच आई डाल दिए, क्या डाल दिए, जैसे एस सी एल एच बी आर होता था उसमें क्या डाल दिए, एच आई, क्या डाल दिए, लेकिन कैसे डाले, एक्सेस डाल दिए, क्या किए, बहुत ज्यादा, बताओ क्या होगा। ऑप्शन सी है, मैकेनिज्म करो, तोड़ो फोड़ो, जैसे टूटता है कार्बोकेटाइन उटाइन बनाओ सब चीज, जब दिमाग ने काम करता मैकेनिज्म में जाओ, एच प्लस आई माइनस से टूटेगा, तोड़ो के देखो, तोड़ो तोड़ो, मैकेनिज्म स्टार्ट करो, मैकेनिज्म स्टार्ट करो, मैकेनिज्म स्टार्ट करो, मैकेनिज्म स्टार्ट करो, स्टार्ट करो फॉर्म मैकेनिज्म, मैकेनिज्म रिसर्च स्टार्ट करो, कुछ नया चीज दिखाएंगे। डबल बॉन्ड था, ये एसिड खुल गया, यहाँ डेल्टा प्लस आ गया, यहाँ डेल्टा माइनस आ गया, बोला है ना,
प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बना है ना, प्राण बना कि नहीं, अरे बना कि नहीं, फिर उधर माइनस रेट हो सकता है कहाँ, यहाँ प्लस कर लो। अच्छा बता तुम, यहाँ बोल रहा यहाँ प्लस नहीं, यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस नहीं, ठीक है ठीक, यहाँ वन डिग्री कार्बोहाइड्रेट बनेगा, यहाँ टू डिग्री बनेगा स्टेबिलिटी, यहाँ से एच प्लस आया तो इसको पहले बात खत्म कर दिया, बोलो मैडम अरे कर दिया कि नहीं, यहाँ बच गया खाली प्लस, बोलो है ना। अब यहाँ पर कौन आएगा, आयोडो आयोडीन आएगा, बोलो है ना, आएगा कि नहीं आएगा, क्या बना देगा यहाँ पर, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो, कितना कार्बन है, तीन कार्बन, कितना एक दो तीन कार्बन, ये और ये बगल वाला कार्बन पे क्या है, आयोडीन है। जब दो कार्बन हो सी और सी, इस पे भी एक्स हो और इस पे भी एक्स हो, सुनो ध्यान दो, इस दो कार्बन को बोलते हैं विसिनल डाइहाइलाइड, बताया था ना स्टार्टिंग में, विसिनल डाइहाइलाइड पहले पेज में बताया था, क्या होता है विसिनल, जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये दोनों क्या होता है, वापस बाहर निकल जाता है, मतलब यहां से क्या होगा, अगला स्टेप में माइनस आई टू निकल जाएगा, आई टू निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, आई टू, और यहां बन जाएगा डबल वन, जब यहां से निकलेगा तब निकलेगा प्लस माइनस निकलेगा, नहीं दूसरे एक तो बॉन्ड बनाएगा ना, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना बाहर निकल गया, एक एक इलेक्ट्रॉन छुट्टा है, बॉन्ड नहीं बनाएगा, बनाएगा ना, अब फिर क्या होगा सुन, फिर अब क्या होगा, फिर से ये दोनों मिलकर खुलेगा, समझना, तो क्या जाएगा, यहां देखो यहां प्लस आ जाएगा, यहां माइनस आएगा तो हाइड्रोजन आके मेकअप कर देगा, यहां से आई माइनस फिर से आएगा, एक्सेस में है ना, एक्सेस है ना, जब तक बन कर तब आते रहेगा, आंसर इज डी, एक पॉइंट नहीं दिखो, तो वहां पे आएगा तो आपको सोचिंग वही वाला आंसर है, वही नहीं कुमार पे नहीं आता, नहीं ऐसा नहीं, सुनो देखो अभी अगला सवाल देखो, चेक मार देगा, लिखो एक पॉइंट, लिखो पॉइंट लिखा है, पॉइंट लिखा है यहां पर, एक पॉइंट लिखा है, लो क्या भी था देखो, लिखो लिखो पॉइंट लिखा है, जब कभी विसिनल डाय यानी विसिनल डायलाइड यानी एडजेसेंट कार्बन पर दो आई दिख जाए तो दोनों आई टू बनकर बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि सी आई बॉन्ड की एनर्जी बहुत कम होती है और बॉन्ड बहुत वीक होते हैं, देखो मैकेनिज्म तुरंत आंसर हो गया, बनिए भी मैकेनिज्म मेन चीज है, समझा, सबको क्या लगा था, लगा था कोई क्या लगा था, नहीं लगेंगे इसके बाद अगला सवाल फिर देंगे, अगला सवाल देंगे तो आप मजा आएगा, इसमें भी एक्सेस आई चाहिए देंगे, इसको मिटा दे, अरे कराई रुको मिले बिस्तर मजबूत करने तुमने को, देखो इसका सवाल देते हैं, ये देखो सवाल दे मेरे, ये सवाल देखो, देखो तो प्लस की जगह माइनस अटैक करेगा, माइनस की जगह प्लस, क्या बोला तीनों सर, ठीक है ऑप्शन देना, ऑप्शन देना, अच्छा अच्छा इसलिए किया, कोई पॉइंट नहीं, अच्छी लिखना, पॉइंट लिखो, पॉइंट लिखो, जब कभी विसिनल डाइहैलाइड, जब कभी विसिनल यानी विसिनल यानी लिखो, जब कभी विसिनल यानी एडजेसेंट पोजीशन पर, पोजीशन पर जब कभी विसिनल यानी एडजेसेंट पोजीशन पर दो आई दिख जाए, हाँ यानी एडजेसेंट पोजीशन पर दो आई दिख जाए, आई मतलब आयोडीन, ठीक है ना, तो दोनों आई टू बनकर दो आई दिखे, हाँ दिख जाए तो दोनों आई टू बनकर बाहर निकल जाते हैं, दोनों आई टू बनकर बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि
कार्बन और आयोडीन यानी सी आई बॉन्ड एनर्जी, सी आई कार्बन आयोडीन है ना, सी आई बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि क्योंकि सी आई बॉन्ड एनर्जी यानी कार्बन आयोडीन का जो बॉन्ड बनता है उसका बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है। क्या बोले? सी आई बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है और बॉन्ड बहुत वीक होते हैं, वीक होते हैं, वीक होते हैं। याद रहेगा ना, जब भी दो बगल बगल कार्बन के लिए किस कब होता है, जब आयोडीन का पैकअप होता है। अब कभी सीएल आ जाएगा तो मत सीएल टू बाहर निकाल देना। हाँ क्या लिखा है, क्योंकि क्यों, क्योंकि सी आई बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बहुत वीक होता है, भाग जाता है, छोड़ छाड़ के कमजोर आदमी है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है टॉर्चर, ठीक है, टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाता। चलो ये सॉल्व करो, ये सवाल सॉल्व करो, ऑप्शन दे रहे। अच्छा इसका नाम बीस रोल है, क्या नाम है, प्रोडक्ट ले। अब दो ग्लिसरॉल ही मालूम क्या होता है, छठ पढ़ाते हैं ना बैठ करके, नहीं ऑप्शन दे नंबर ए, ऑप्शन गलत है, मैकेनिज्म करो ना, सबसे पहले क्या दिख रहा है, उसमें रुक जाएगा, फिर वो होगा ना जो लेकर तुम आई लगाएगी, यहाँ 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 आएगी, ये पर्सनल डायलाइट नहीं होगा, सोचो सोचो फिर से पिछला क्वेश्चन नहीं बन जाएगा, आंसर फिर से ये नहीं बन जाएगा, डी 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 ऑप्शन डी, कैसे सी और डी तो एक ही लग रहा है, नहीं जब सी और डी तो सेम लग रहा है, नहीं जब बीच में है देखो, अच्छा वो थ्री डी टू डिग्री, टू डिग्री वन डिग्री, देखो देखो ये देखो मैकेनिज्म, हम बताएं लेकिन ठीक है ना, मैकेनिज्म देखो मैकेनिज्म, हाँ हम लोग बोलते बनाएंगे, बना चलो बना मैं ट्राई करो ना, ओए छटाओ आई लगाओ, पहला ओए छटाओ आई लगाओ, अरे पानी नहीं लगेगा, एच प्लस आई माइनस नहीं टूटेगा, एच उठेगा पानी बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकले एक्सेस में है ना, तो बहुत सारा तीन को एच प्लस ले लो, मतलब ऐसे हटा दे कि शो कर गया, डायरेक्ट लिखना मत पढ़ो, हां बार बार टिकन करो ले जरा फोटो ले, ओए देखो इधर ले लो, देखो जिसको नहीं पता मैकेनिज्म दिखाते हैं हमसे, स्पीड करो तो लो, देखो O है H है, O है H है, O है H है, बोलो है ना, H प्लस हम यहाँ लिए, ठीक है ना, और ध्यान दो यहाँ भी अटैक किया, यहाँ भी अटैक किया, यहाँ भी अटैक किया, क्योंकि एक्सेस में, किसमें एक्सेस में, किसमें एक्सेस, तो पानी आ गया प्लस आ गया, देखो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस अनस्टेबल बाहर निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यहाँ से क्या लगेगा ध्यान दो, सब जगह सब जगह प्लस नहीं लग जाएगा, यहाँ पर क्या होगा आई माइनस बी एक्सेस में, यहाँ यहाँ और यहाँ अटैक होगा एक्सेस में ना, तीन एक्सेस में है, ओ तीनों पूरा बॉन्ड टूट गया है, तो तीनों पानी लग गया, पानी बाहर निकल गया तीनों से, फिर प्लस प्लस आ गया, फिर आई जुड़ गया, हाँ आई जुड़ गया, ये जुड़ गया, अब बहुत तो यहीं पे छोड़ के ये वाला एक नंबर मार देगा, बहुत तो यहीं छोड़ के एक नंबर मार देगा, यहाँ से आई तो बाहर निकलेगा,
तो यहां से क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, आई तो बाहर निकल गया, क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड बना और यहां आई रहा, ये देखो क्वेश्चन नहीं लग रहा पिछला वाला, वहां से मैकेनिज्म करके दिखाए ना, वही से पूरा कर दे, हां एच आई, बताओ बताओ था पिछला वाला क्वेश्चन, बताओ कुछ था अंकिता सुनिया सुनिए, बताओ कुछ था, तो केमिस्ट्री इतना आसान है ना स्कोरिंग करना, कहा बोले बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, हेडिंग लिखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड्स, ये क्लास 11 का रिएक्शन है, एक तो हमने किया था, समझ आ गया, वीडियो में सब है, फोटो लेने का जरूरत है, अरे रुको अब नहीं रखेंगे, दो चीज बताएंगे, लिखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड्स, हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होता है कोई बता सकता है, पानी का लाइसिस, मतलब पानी मिलाना, क्या करना, हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी मिलाना, क्या करना, तो पानी मिलाएंगे, ठीक है, किसमें, हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड्स, कार्बाइड में पानी मिलाने, किसमें मिलाएंगे, कार्बाइड्स में, किसमें, चार को याद रखना बस ज्यादा नहीं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड्स, बस चार को याद रखना, क्लास 11 का रिएक्शन, इसको डिटेल में 11 में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कार्बाइड्स चार को याद रखना, हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी, हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी, जैसे देखो एक तो AlCl4 Al4C3 है, इसमें पानी मिलाएंगे क्या बन जाएगा, मीथेन, क्या बन जाएगा, मीथेन, और जो मिले उसको जरूरत नहीं, उनको B2C भी है, ध्यान दो ध्यान दो, B2C भी है, इसमें ही पानी डालेंगे तो क्या बन जाएगा, मीथेन, क्या बन जाएगा, मीथेन, क्या बन जाएगा, मीथेन, एक CaC2 है, CaC2 क्या है, CaC2, इसमें पानी डालेंगे तो क्या बन जाएगा, इथाइन, क्या बन जाएगा, इथाइन, क्या बन जाएगा, ठीक है, इथेनॉल, एक लास्ट जो हमारा Mg2C3 क्या है, Mg2C3, बस चार ही याद रखना, बस इसमें पानी डाल दें क्या बन जाएगा, बताओ तो प्रोपाइन, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रोपाइन, दो एक तीन कार्बन, चार कार्बन, तीन गो इधर हो गया, चार हो गया, तीन चौथा, देखो ये बना हमको मीथेन, ये हमको बना मीथेन, ये हमको बना इथाइन, ये हमको बना प्रोपाइन, बोलो है ना, जब Al4C3 में डाले क्या बना, मीथेन, क्या बना, मीथेन, याद करना है क्या, देखो याद रखो, देखो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, खाली एक तो छोड़ के, ये जो Al4C3 है ना उसमें खाली मीथेन बनेगा, बाकी सब तो इसी याद रहेगा, है ना, कार्बाइड्स देखो सी कार्बाइड है ना, एक कार्बन है तो मीथेन बन गया, दो कार्बन है इथेन, इथेन, इथेन बन गया, ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तीन कार्बन है तो प्रोपाइन बन गया ट्रिपल बॉन्ड के साथ, सही हो गया, प्रोपाइन, वही प्रोपाइन बन गया, ठीक है ना, खाली एक तो छोड़ के, कौन सा, Al4C3, Al4C3 याद करो ना, उसमें पानी डालेंगे तो मीथेन बन जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड है, एल्युमिनियम कार्बाइड, बेरियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, ठीक है ना, ये कार्बाइड से, ये क्या है, सुनो एल्युमिनियम कार्बाइड में पानी डाले क्या बना, मीथेन, क्या बना, ठीक है, कैल्शियम, बेरियम कार्बाइड में पानी डाले क्या बना, मीथेन, कैल्शियम कार्बाइड में पानी डाले क्या बना, इथाइन, दोनों मीथेन, CH4 सिंगल बॉन्ड, ठीक है, जब कैल्शियम कार्बाइड में पानी डाले क्या बना, इथाइन, क्या बना, जब मैग्नीशियम कार्बाइड में पानी डाले क्या बना, प्रोपाइन, क्या बना, क्या बना, नेक्स्ट लिखो वुड्स रिएक्शन, वुड्स 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 रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, हो गया,
ओके बेटा हो गया, एक साल में जिंदगी वक्त दोनों बदल जाएगा, वक्त बदलने करेगा, जज्बात बदलने करेगा, जिंदगी बदल जाएगा। हो गया प्रणाम। यही सपना क्लास 6-7 में देखता कितना मजा आता होता। देखते थे सब पता था 6-7 में नहीं नहीं भी था। देखो ये देखो 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 एल्काइल हैलाइड में जब भी हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड में क्या डाल देंगे, सोडियम क्या डाल देंगे और ड्राई थर। लो ध्यान दो, सोडियम ड्राई थर कर देंगे। एल्काइल हैलाइड में क्या करेंगे, सोडियम में ड्राई थर डाल देंगे, क्या बन जाएगा पता, क्या बन जाएगा, अरे बोलो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, क्या बन जाएगा, ये एल्काइल के डबल हो जाएगा, ये कितना लेंगे 2 मोल्स, कितना लेंगे, क्या बन जाएगा, एल्केन, क्या बन जाएगा, एल्केन मतलब आर आर बन जाएगा, ट्रिपल आर नहीं डबल आर, आर 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 ठीक है, राधे राधे है ना, आर आर सर, अब प्लस NaX बाहर निकल जाएगा है कि नहीं। देखो कैसे कैसे किए भैया, हाँ यही पूछना चाह रहा था। देखो देखो लॉजिक क्या है, पता क्रिटिकल मैकेनिज्म, मैकेनिज्म नहीं दिखाएंगे, क्रिटिकल मैकेनिज्म होता है ठीक है ना, आर एक्स टूटता है या उतना लिख जाता है तो उतना में, देखो झोला छाप टीचर कैसे पढ़ाता है, देखो थोड़ा सा बंद है मेरे को भी होता है क्या, तो दिखाएगा 2 मोल्स आर एक्स मिले तेरे बाबा, ये चल जाएगा डन, ये चल जाएगा डन, बन जाएगा और एक तरह का दिखा रहे, देखो जा रही हूँ ये 2 कहाँ जा रहा है, 2 मोल्स है, अरे इनटू नहीं लेते हैं जैसे 2 ठो वही है, 2 मोल्स मतलब 2 ठो समझे, तो बोच रिएक्शन में क्या होता है, डबल कर देता, क्या कर देता, डबल कर देता, बोलो हाँ ना, आजकल लाइट इतना क्यों जा रहा है, लाइट क्यों जा रहा है, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा भैया यही हो गया मेरी बात खत्म, मैकेनिज्म ऐसे नहीं होता, मैकेनिज्म बोले कर देंगे 11 कर, मैं 11 में कभी करेंगे फिर से मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल में आर एक्स होता है, ये अपना उठा लिख जाता है, आर फ्री रेडिकल एक्स फ्री रेडिकल समझ रहा, ऐसे फिर आर फ्री रेडिकल क्या करता है, आर एक्स पे फिर जाता है, यहाँ पर आर फ्री रेडिकल अटैक करता है, यहाँ अटैक करने से एक्स माइनस बाहर निकल जाता है, आर फ्री रेडिकल आर आर फ्री, तो मुझे कितने बाद में उठाए, ये पढ़ाएंगे डिटेल में पढ़ाएंगे, इसको जरूरत नहीं है, सही ना, याद रखो ना, बाकी बात क्या कुछ रिएक्शन पूछता है कोई, इसको लिखना, हाँ लिखना, इसका यूज होता है, तब से कोई नहीं डायरेक्टली पूछेगा, जो रिएक्शन पूछेगा डायरेक्टली सैंड में आ गया दिखाएंगे, आज आज देखो कौन कौन सा बताएंगे, बाल सेमन रिएक्शन, सैंड में रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन सब बताएंगे, एडो शुभम रिएक्शन बताएंगे, मजा नहीं कर रहे, तुम लोग नाम बताए नोट्स में छोटे लिंगन हर्ष रिएक्शन Al4C3 इसमें डाल दिए पानी बन गया A, फिर डाल दिए सोडियम ड्राई इथर बन गया बी, फिर डाल दिए हम Br2Hμ, फिर बन गया सी, फिर डाल दिए NaI एसीटोन बन गया डी, फिर डाल देते हैं AgF2 बन गया ई, चलो बताओ एबीसीडी कहाँ होगा। अब कैसा क्या
यही कि दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, करने वाला क्वेश्चन है। हाँ याद आया, बोले था ना, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है यहाँ। कहाँ पे चेंजिंग है? AL4C3 लिखे ना, यहाँ AL4C4 लिखे। तुम गलत लिखे होंगे, तो AL4C3 हो गए, तुम गलत लिखे होंगे। चलो स्टार्ट करो, ये क्या है कुछ नहीं, देखो ये क्या है? एल्युमिनियम। क्या एल्युमिनियम? प्रणाम क्या इसका? एल्युमिनियम क्लोराइड है। अभी बताएं थोड़े पहले, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर में नहीं बताया, हाइड्रोलाइसिस होता पानी दिखा मतलब क्या हो रहा? हाँ पानी दिखा क्या हो रहा? मीथेन। मीथेन हो रहा, हाइड्रोलाइसिस हो रहा, पानी मतलब हाइड्रोलाइसिस हो रहा ना, किसका किसका हो रहा? अल्मोनियम क्लोराइड का। तो CH4 होगा। हाँ ए में CH4 हो जाएगा जब भी अल्मोनियम क्लोराइड का, कॉपी देखो, कॉपी देखो पीछे पेज फ्लिप कर गया। अल्मोनियम क्लोराइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस किए तो क्या हो गया? मीथेन बन गया। मीथेन में जो सोडियम ट्राई करता डाले बोलवाए ना, मीथेन में यहाँ पर एक चीज और छोड़ रहा है, देखो यहाँ पर एक चीज और छोड़ गया, ट्राई करता डाले कोई फायदा नहीं हुआ, यहाँ पर एक चीज और छोड़ेगा, यहाँ पर डाल देंगे सो ध्यान दो, यहाँ डाल देते हैं Br2 और H वो वाला डेल्टा HBr डालते हैं ना, छोड़ो HBr डालते हैं, बन जाने यहाँ पर E था ना, F बन जाएगा, क्या बन जाएगा? F, F में फिर डाल देते हैं, F में फिर डाल देते ध्यान देखो बनाने बहुत आसान है। F कैसे लिखा है? NaBr का हो गया। चलो देखो अब इसमें मीथेन बना, मीथेन में डाल दिए HBr, क्या डाल दिए? तो हमारे पास क्या बन गया F में? CH3Br बन गया कि नहीं? अब इसमें फिर डाल दिए क्या सोडियम, क्या डाल दिए? इन प्रेजेंस ऑफ ब्राइथर, ये क्या जाएगा? डबल नहीं जाएगा? अरे हो जाएगा कि नहीं? अरे हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? क्यों? अच्छा इसे फिर डाल देते Br, क्यों हो जाएगा? मैं नहीं समझ रहा। अरे बुर्ज रिएक्शन, अरे भूल गई, ध्यान दे इधर, RX जादू, आर आर तो डबल हो जाएगा ना कार्बन का, तो Br ये X बाहर निकलेगा, भूल गई ऊर्जा रिएक्शन में क्या था, कॉपी पलटो, कॉपी पलटो, कॉपी ने पेज पलटो, ये देखो दो ठो, एक ठो आर है ना, क्या कितना आर हो गया? वो ना एक तो कार्बन का डबल, जिसको भी दो कर देंगे। हाँ तो एक कार्बन डबल, समझ में आया? अब यहाँ ब्रोमीन लगा दो, यहाँ ब्रोमीन लगा दे, मान लो यहाँ बन गया CH3CH2Br, बोलो है ना? अब यहाँ से क्या होगा? रिप्लेस होगा आयोडीन से, आई लग जाएगा वहाँ पे, हाँ ये लग जाएगा, आई लग जाएगा, बोलो है ना? तो स्वाद रिएक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ लग जाएगा। अब देखिए दिमाग काम कर रहा है इधर वाला, हम उधर ठीक समझ में आ रहा है, इधर का हो जा रहा पता नहीं चल रहा। अब लिख दीजिए, लिखो जल्दी, एक सेकंड
तो सेकंड लो हो जाएगा। यहाँ 2 डिग्री में
सीएल कहाँ लगेगा? टू डिग्री एच प्लस सीएल माइनस कार्बो के टाइम टू डिग्री बनेगा ना। एफ क्या जाएगा यहाँ लगेगा सीएल मान लो है कि नहीं टू डिग्री लगा ना तो कहीं भी लगा सकते इधर लगा इधर लगा वही चालू भर है कि नहीं नीचे भी लगा सकते हाँ नीचे भी कोई प्रॉब्लम अब यहाँ पे क्या लगा बी आर क्या लगा बी आर अब कहाँ लगे यहाँ लगे कहाँ लगे नीचे ये नहीं देना था हम छोटू मुर्गा दे दिए ठीक है क्या नहीं देना बी आर क्योंकि हाइड्रोजन एक्सचेंज नहीं कर रहा ठीक है बी आर नहीं देना था ये लगा नहीं देना था जला का फायदा ठीक है अब हम लिख लेंगे चलो यहाँ से लिख उतना लिख के कट दे कोई प्रॉब्लम नहीं कल एक कट नंबर ही नहीं करना तो अब यहाँ से क्या जाएगा सिंपली आयोडीन लग जाएगा बोलो भाई ना अब डायरेक्ट में सिंपली बी आर है ना तो बी आर तो रहता है ना बी आर आता है यहाँ पर यहाँ इसलिए बोल रहे थे इस चैप्टर में नहीं होता तो चैप्टर देखते स्टेबिलिटी किधर जाता है तो मतलब काट देती है ना हां स्टेबिलिटी फिर देखने पड़ जाता है सर जहां बी आर था वहां आई लगा देना जहां आई था वहां हां समझ बात ऐसा सवाल हो जाएगा अरे हो जाएगा कोशिश बताओ इसको सवाल करने में कितना देर लगा रहे तुम बताओ 30 सेकंड बताए थे ना 30 सेकंड इनफ नहीं है इसीलिए हम बोल रहे केमिस्ट्री पेपर ना 25 क्वेश्चन सवाल करने के लिए 10 मिनट 12 मिनट इनफ है। केमिस्ट्री का पेपर ऑर्गेनिक तो 5 मिनट में खत्म करो 5 मिनट बहुत बोल दिया 2-3 मिनट पेपर को उड़ाओ लगे नहीं कि पेपर है कुछ इतना जैसे क्वेश्चन नहीं लिख रहा छापेगा तुम लोग छापैया नहीं चलेगा लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन अब टॉपिक डालो हेलो एरीन क्या डालो तुम लोग क्या लग रहा सुनो यही बोल रहे तुम लोग क्या हेलो एरीन खत्म नहीं अभी क्या अरे सुनो अभी क्या खत्म किए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन अभी बताएंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन मतलब ये बनता कैसे है इसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन फिर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन इतना आसान फिर पढ़ेंगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट ग्रिगनार्ड ए क्या करेगा अब ये किस कर दूंगा ये सब पढ़ेंगे विष्णु सर फिर फाइनल में क्वेश्चन फॉर्स लगाएंगे फोटो लेके देना ए बदमाश है जा रहे हुआ है हुआ बहुत लंबा दिख रहा है अभी देखो लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन ध्यान दो ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन सबसे पहला जो है वो है ईएसआर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब तो लोग घुसेगा नहीं फोन धुंधला आ रहा है भैया मेरा आंख खराब हो गया हां सही में धुंधला आ रहा है लाइट चल कर दिया फ्लैश कसमें था फ्लैश चल कर दिया नहीं ठीक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भैया बोलो सर कुछ पूछना है हां पूछ लो हाँ ठीक है बोलो बोलो क्या फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ अंदर 7 मिलीग्राम ऑफ C14 में कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा पहले 1 ग्राम में निकाल लो 1 ग्राम में कितना होता है फिर 1 मिलीग्राम में निकाल लो यूनिटी मेथड से फिर 7 मिलीग्राम में निकाल लो ग्राम निकालने के 1 ग्राम ऑफ कार्बन में कितना हो रहा था न्यूट्रॉन वो देख लेना ठीक है C14 में आ देखो वो तुम्हारा एक वैल्यू हो गया तुम्हारा वर्क वेट हो गया 1 ग्राम का ठीक है वो पर कंप्लीट एक न्यूट्रॉन का वैल्यू है यहां पर 7 मिलीग्राम में कितना हो समझ गए 7 मिलीग्राम में कैसे निकालते हैं देखो मान लो 2.5 पेन का दाम कितना है उनको निकालना
पहला बात हम क्या निकालेंगे, एक एक मान लो तुमको दे दिया 100 ग्राम का पेन कलम, हमको निकालना है 250 पेन कलम, तो 100 ग्राम दे दिया तो कैसे निकालेंगे, 100 का निकालना है इतना कुछ x है, तो एक का क्या जाएगा 100 x बटे 100, तो 250 का क्या जाएगा 250 गुना x बटे 100, उसमें फिर से निकालो, ट्राई करो एक बार, नहीं बने तो हम आपको खुद बता देंगे। चलो क्या नाम इसका, सबसे ट्यूशन सबसे ट्यूशन, ठीक है ना, ठीक है, क्या बोलता है, इलेक्ट्रोफिलिक सबसे ट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है, एक बेंजीन है, यहां तो हाइड्रोजन होगा ही होगा, बोलो है ना, बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होता है ना, सबके जगह पर एडजस्ट है, सब पॉइंट पे एक एक, यहां क्या करते हैं समझा दो, इलेक्ट्रोफाइल मान लो अटैक किया, क्या किया भैया, इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, वो बार बार आवाज आई कर रहा है, कौन देखिए ना, मानिए ना, छोड़ो रैशनल इनवाइटी करा दिए थे, हां रैशनल इनवाइटी रचना, हां रैशनल इनवाइटी करवा दिए, ये रचना दिया, यहां भी स्कूल में भी, स्कूल में तोड़ा दिए, स्कूल बहुत स्पीड वाला, मैंने सुना हम तो बताया ऐसा नहीं किया, नहीं मेरी कर बताया डिटेल क्वेश्चंस दे दिए, अब लोग करके लाए तो जो सिंसियर रहता है उसी पीछे करते हैं, सिंसियर नहीं रहे क्या करेंगे, क्वेश्चंस उन लोग के पास है क्या, हो नहीं तो मेरे पास भी होगा ऑनलाइन में, बहुत से भेज देंगे, भेज दी ओके, तो दो मिनट रुको इसको कर हम देख लेते हैं, वहां करके ले लेते हैं, कुछ लोगों के पास है नहीं, ध्यान देने देखो, देखो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल एच की जगह पर हटा करके लग जाएगा, एच की जगह पर कौन लग जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन लग जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दे, जैसे एक फिल्टर को चोट लग जाता है, क्रिकेट चल रहा है ठीक है ना, देखो फिल्टर को चोट लग गया तो उसकी जगह पर कोई और फिल्टर आके फील्डिंग करता है, तो सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट, रिप्लेसमेंट नहीं, सब्स्टिट्यूट होते भाषा में, क्रिकेट भाषा में देना कैच उच देगा ना, तो आगे लिखा है, मानो जैसे कुलदीप यादव नहीं खेलता तो कैच लिखा, तो कैच सब कुलदीप ऐसा लिखता है, कहीं पढ़ा है न्यूज़पेपर पर, स्कोर कार्ड देखा तो वहीं जाके देखना, कैच उच लेंगे ना, फिल्टर लिखे हैं सब, मतलब सब्स्टिट्यूट फिल्टर था वो 12वां फिल्टर, समझ में आया, ठीक है, समझ में वही होता, तो इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ क्या है, ठंडा है, ट्रिक देख लो, एच हटाओ ई लगाओ, बोलो हाँ ना, लोग का क्वेश्चन भी नहीं थी, नहीं नहीं, अच्छा एच हटाओ ई लगाओ, एच हटाओ ई लगाओ, एच हटाओ ई लगाओ, एच हटाओ ई लगाओ, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल ठीक है ना, तुमको याद कर दो जी, एक्स के नाम को बोलते तो वो एक्स क्वेश्चन देख लो कुछ कुछ, एक नंबर 1/x² + 2 सब में x का वैल्यू निकालना, क्या निकालना, x का वैल्यू 1/x² - 2x + 3 नंबर 3 1/x² - x - 1 1/x² - x - 1 लाइट आया था क्या, ESR को ही ES बोलते हैं, हाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तुम कौन सी क्लास है, घूमते घूमते आ गए जैसे मान लो एच प्लस वन किया वो नहीं बोल सर, वो दोनों एक ही टॉपिक
तीन तो दिए बोलो मान लीजिए ग्रेटर देन इज इक्वल टू वाला सवाल नहीं है देखो हां तुम पे यहां पर x का वैल्यू निकालना है क्या निकालना अच्छा x का वैल्यू तो सब x कहां पर है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सके नहीं जीरो जीरो नहीं होना चाहिए हां सॉल्व करो तो x का वैल्यू क्या रखें x का वैल्यू क्या रखें कि जीरो ना हो ठीक है ऐसे ही सवाल दिए हम एग्जाम में हो रही तो होगा तो ग्रेटर देन लेस देन रहेगा ग्रेटर देन लेस देन तो उसको समझना पड़ेगा ना हर बार दिया नहीं रहेगा चलो भैया भैया देखो इलेक्ट्रो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो क्या निकालना मैक्सिमम और मिनिमम
एम इनइक्वालिटी का पार्ट हमारा था, इक्वालिटी नहीं इनइक्वालिटी, मैक्सिमम मिनिमम मतलब इससे ज्यादा उससे छोटा, बोला है ना। देखो X2Fe+Fe X3 ये दोनों जो है हमारा रिएजेंट यूज होगा, क्या होगा किसमें, हेलोजिनेशन में, किसमें हेलोजिनेशन में, बोला है ना, ये बोला है ना, हुआ क्या सुन लो, होता क्या मैकेनिज्म देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक से हेलोजिनेशन कहां से आता है, जब तुम बाहर गए तब, मतलब उससे डायरेक्ट यहां, हां देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे टॉपिक है, जैसे हेलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, पहला टॉपिक हेलोजिनेशन, ठीक है, दो कैसे होगा ध्यान दो, X2+FeX3 मान लो, सुनो मान लो ये दोनों क्यों, ठीक है, सुनो होता क्या, एक्स प्लस आयन बनेगा और प्लस XCF4 माइनस बचेगा, ठीक है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं हेलोनियम आयन, हेलोनियम ही बोलते हैं ना, याद नहीं बहुत, हेलोनियम आयन क्या बोलते हैं, हेलोनियम आयन क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, द प्लस है कौन सा, बेसिकली एक्स के ऊपर हमेशा माइनस देखा गया, देखा गया कि नहीं, सीएल माइनस एक्स माइनस, लेकिन यहाँ क्या आया प्लस, क्या आया इलेक्ट्रोफाइल बना रहा है, क्या बना रहा है इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल बनाने के चक्कर में, एक बार हम बेंच ले लो, जैसे मेरे को बेंच कम पड़ जाएगा, एक नहीं नीचे वाला एक भी सुसु तक नहीं नहीं कॉल आ गया तो पकड़ लिया था, एक घंटा कितना हो, एक घंटा तो नहीं सर, दूर है जाए वो यहाँ पे, ठीक 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 ध्यान दो किसका, कौन लोग दादी लग गए कैसे लग गया, एक तो लिखते हैं एक तो ठीक
ठीक तो बताना पड़ेगा कैटलिस्ट है और मेन काम को किसका इसका इसका काम ठीक है देखो नोट करो क्वेश्चन नहीं है बात पे अच्छा इसका मैकेनिज्म कैसे रिएक्ट करेगा कैसे क्या वो भी दिखा देना होता है क्या उसके बाद देखा इधर इधर देखा इधर देखा होता है क्या अब हम लिए बेंजीन कौन लिए बेंजीन क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है जी हाँ मैं हूं खलनायक इसमें कौन आया X2 और Fe X3 बोलो आया ना ये आया ना सुनोगी अमान ध्यान दो ये क्या होगा टूटेगा क्या होगा ये डेल्टा माइनस ये डेल्टा बोलो है ना टूटन करता है अरे बोलो आया ना अब यहाँ पर से इलेक्ट्रोफाइल शुरू होता है क्या अब मान इलेक्ट्रोफाइल आया कौन सा इलेक्ट्रोफाइल ले लेते एक्स प्लस ले लेते बोलो आया ना है कि नहीं इलेक्ट्रोफाइल यही ना अब होता क्या सब कुछ सोचता है प्लस वाला अटैक कर दिया माइनस पे हम क्या होता है कुमार प्यासा के पास जाता है प्यासा कुमार पास नहीं जाएगा यहाँ एटीट्यूड है प्यासा का समझा उल्टा यहाँ उल्टा होता है ठीक है ना बताया था ना ये इसको बोलेगा भाई साहब दरअसल होता है क्या पाई बॉन्ड अटैक करता है लेकिन इसलिए बता दिया ताकि चलो अच्छा लगे ठीक है माइनस प्लस के पास जाएगा जाएगा ना यहाँ से जुड़ जाएगा बोलो आया ना अरे जुड़ जाएगा ना यहाँ प्लस बोलो आया ना अरे बोलो आया ना यहां से क्या होता है यहाँ हाइड्रोजन भी है कि नहीं है है ना अरे चार बॉन्ड रहेगा तभी ना हाइड्रोजन रहेगा हाइड्रोजन क्या करता है मतलब तुम लोग झगड़ा कर लो हम निकल रहे हैं भाग रहे हैं ये भाग जाता है अपना अपना क्या करता है बॉन्ड दे देता है क्या करता है डोनेट करता है क्या करता है ध्यान दे दर मतलब नजर हटेगा दुर्घटना घट जाएगा मतलब यहाँ से एच प्लस बाहर निकल जाता है क्या होता है एच प्लस बाहर निकल जाता है यहाँ से क्या हो गया फिर से वापस में अपना एरोमेटिसिटी डेवलप कर लेता है फिर से अपना वापस में एरोमेटिसिटी डेवलप कर लेते कैसे होता क्या सबसे पहले कैसे कंपाउंड एरोमेटिक है अरे है कि नहीं है ये एरोमेटिक है ना है कि नहीं अब ध्यान दो अपना एरोमेटिसिटी ब्रेक हुआ हुआ कि नहीं हुआ अरे हुआ कि नहीं एरोमेटिसिटी ब्रेक जब एरोमेटिसिटी ब्रेक हुआ इसने अटैक किया अब इसको फिर से अपना स्टेबिलिटी गेन करना है कि नहीं है करना है अब गेन करने की वजह से इसको हाइड्रोजन बोलता है तुम निकलो हाइड्रोजन निकलता है यहां जाकर के मिल जाता है ठीक है फिर से एरोमेटिक कंपाउंड बन गया बनिया क्या बन गया फिर से एरोमेटिक बन गया हाँ उतारना है बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट इस रिएक्शन को दो तीन बार प्रैक्टिस करना होगा बता दे तो लोग हल्का ले रहे इसको वरना ये हद कम ले लेगा हो गया बना एक्स स्क्वायर क्या होता है ग्रेटर देन 14 में सर बोलते हैं कि सबने टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ऐसा ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगा रेसिप्रोकल करना ठीक है ना रेसिप्रोकल इसको नीचे ले जाओ इसको ऊपर नीचे ले जाओ मतलब 1 बाय 2 इज ऑलवेज क्या लो x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 अप्लाई और x स्क्वायर प्लस 2 ऑलवेज ग्रेटर देन 2 अप्लाई 2 ग्रेटर देन 2 अप्लाई लेकिन लेस देन किस तरह इनफिनिटी से अप्लाई ध्यान दो अब यहां से बोले जैसे प्रोबल करो तो 1 by 2 greater than equal to 1 upon x square plus 2 मतलब यहां से कहने का मतलब क्या यही ना तुमको निकालना है मतलब 1 upon x square plus 2 कहां से बिलोंग करेगा 1 by 2 से infinity माइनस इनफिनिटी से 1 by 2 बोला फाइनल निकल गया
ट्रांजिस्टर का हो जाएगा। सवाल दे, क्वेश्चन दे, इतने में देख करके तो हालत खराब हो रहा है क्या? इतने में यदि उनका भी आधा भी काम मतलब 10% भी खत्म होने वाला होगा, अभी नहीं खत्म हुआ बताते, बहुत टाइम अभी खत्म है मालूम है। तो सोच रहे किसी दिन प्लान कर सुबह से ले चले, तो ही लोग लेट करते हैं, कोई एक जन आता है एक जन नहीं आता, लेट करते पहुंचे हुए रहते हैं शायद 10 बजे। तो मतलब क्या बोले, नहीं लिखा, नहीं लिखा, तो नहीं लिखा दादी की गुड़िया लगती है जैसा कहने को पापा को ऐसे डॉक्टर लगती है उसको समझ गया चला डॉक्टर डॉक्टर बनाना चाहता तो पापा पापा की परी बोल रहे बता अरे अभिषेक कहाँ है अभिषेक? उसी को तो बोल रहे हैं मैं बात ऐसे तो बोला दिमाग को काम कर रहे हो क्या कर रहे हो मगर बस चली जा रहे हैं इस्लाम की जो पापा को लेके ना हाँ ये ए तेरे को नहीं बोले उसको क्यों बोले हो उसको जो बोले थे कि मैं तेरे को नहीं बोले अरे तो बोल अरे इधर ध्यान दो ना माफ कर दे ये सही था, ये लग बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा हमारे लिए अच्छा था, सुन लीजिए एक बार हमारे चलो बताओ क्या होगा सर्किल 17 बताओ, ये नहीं बताया गधा है तो गधी तो नहीं है गधी भी है चलो ये पिछले बार जो सुना हाँ डबल बॉन्ड टूटेगा अच्छा और सीएन क्या है बेंजीन, बेंजीन में क्या हो रहा है? बेंजाइलिन वाला लगेगा क्या? अच्छा, बेंजाइलिन लगेगा? एलाइलिन का। एलाइलिन वाला होगा भैया, तो जिससे यह फटेगा, ये तो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल होगा। अच्छा, हवाई बताते हैं, ये कैसा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एरोमेटिक है ना? बेंजीन है। बेंजीन है ना, एरोमेटिक है, तो एच हटाओ सीएल लगाओ क्योंकि क्या आ गया CL2 और Fe आ गया इन प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक रिंग बोला है ना ये वाला में क्या होगा X हटाओ Br लगाओ समझ में आया खत्म क्या बोले तुम सोचना है थोड़ा सोच बस
थोड़ा सोचेगा ना बस, ये सब पता है ये सब क्वेश्चन क्या था, क्वालिटी क्वेश्चन, माइंड खोलता है। जब तुम वहां बैठेगा ना, वहां एक भी हलवा सवाल नहीं दिखेगा, रहेगा इजी। लेकिन कब, जब तक तुमसे चार पांच क्वेश्चन नहीं बनेगा ना अच्छा से कॉन्फिडेंस में, रैंक नहीं मिलने वाला ना। पांच ही क्वेश्चन बन जाएगा ना तो बाहुबली हो जाएगा, सामने का टप्पा है कोई सबको मार देगा, अपना आदमी दूसरा आदमी देखेगा, सब सवाल बना देगा, टफ इजी सब, वो तुक्का भी सही लगेगा उसमें, मजाक नहीं कर रहे। जब बनाते रहेंगे ना सवाल तुक्का भी सही लगेगा, अगर कुछ नहीं करेंगे तुक्का भी गलत लगेगा, बता रहे। चलो सवाल लिखिए, अरे बोला है ना, यू डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रुप, उसको हम भविष्य में करो।